understanding our earth. In the last chapter we have studied about the moon. पिछले अध्याय में आप लोगों ने मून के बारे में अध्ययन किया. In order to study the earth in details, we have another tool called the map. पृथ्वी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए हमें दूसरे टूल की जरूरत होती है. अध्ययन करते हैं जिसे हम मैप कहते हैं, यानी नक्शा कहा जाता है. यानी नक्शे के माध्यम से हम अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं. मैप, डिफिनेशन एंड यूजेज, परिभाषा और उपयोग. ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन इट्स फ्लैट सरफेस. नक्शा पृथ्वी को प्रदर्शित करता है समतल सतह पर. मैप्स आर ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस. नक्शे समतल सतह पर खींचे जाते हैं टू शो द कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज, देशों को, राज्यों को, जिलों और नगरों को दर्शाने के लिए ये नक्शे पर खींचे जाते हैं. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ ए मैप ऑफ आवर एरिया और हाउस विद एवरी डिटेल ऑफ लैंड्स, शॉप्स एटसेट्रा. हम लोग नक्शे पर क्षेत्रफल, घरों के आवर एरिया, हमारा क्षेत्रफल और हाउस है, विद एवरी डिटेल्स ऑफ लैंड्स, शॉप्स, जिसमें पूरे विस्तार से दुकानों, लेंस इत्यादि के बारे में दिए होते हैं. बोथ ग्लोब्स एंड मैप्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल. नक्शे और ग्लोब दोनों ही अत्यधिक उपयोगी हैं. बट ए मैप इज बेटर देन ए ग्लोब. लेकिन नक्शा ग्लोब से अच्छी जानकारी हमें देता है. इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड एनीवेयर. नक्शे को हम मोड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं. इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू ग्लोब. नक्शा ग्लोब की तुलना में हमें विस्तार से सूचनाएं देता है. इवन द स्मॉलेस्ट एरिया, इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी लार्ज एंड शोन ऑन ए मैप. यहाँ तक कि छोटे क्षेत्र को बड़े रूप में नक्शे पर दिखाया जा सकता है. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ग्लोब की तुलना में नक्शा अधिक उपयोगी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, नक्शों के विभिन्न प्रकार. ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. नक्शे की पुस्तक को एटलस कहते हैं. मैप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. नक्शे तीन प्रकार के होते हैं. नंबर वन, फिजिकल मैप्स. दिस काइंड ऑफ मैप्स शो फिजिकल फीचर्स. इस प्रकार के नक्शे फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक विशेषताओं को दिखाते हैं. सच एज माउंटेन्स, पर्वतों को, प्लेटू, पठार, डेजर्ट, मरुस्थल, प्लेन्स, मैदान एंड रिवर्स और नदियों के बारे में हमें बताते हैं. फिजिकल मैप इन चीजों के बारे में हमें जानकारी देते हैं. नंबर टू, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक नक्शे. पॉलिटिकल मैप शो द पॉलिटिकल डिवीजन. राजनीतिक नक्शे, राजनीतिक विभाजन, संसार के राजनीतिक विभाजन के बारे में बताते हैं. महादेशों के बारे में बताते हैं. कंट्री, देशों के बारे में बताते हैं. स्टेट्स, राज्यों के बारे में बताते हैं और जिलों के बारे में बताते हैं. लिमिटेशन ऑफ ग्लोब एंड मैप. ग्लोब और नक्शे की परिसीमाएं. इट इज नॉट कंफर्टेबल इनफ टू कैरी. एक लार्ज एंड सॉलिड ग्लोब को कहीं भी ले जाना आसान नहीं होता, सुविधाजनक नहीं होता, क्योंकि बड़ा और सॉलिड रूप में, ठोस के रूप में होता है. ऑल डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन इट. सभी विस्तार से ग्लोब पर नहीं दिखाए जा सकते हैं. वी कैन नॉट मेक ए ग्लोब फॉर ए पार्ट ऑफ एरिया और अर्थ. We cannot make a globe for a part or area of our earth. हमारे पृथ्वी के हिस्से के आसपास को ग्लोब पर नहीं दिखाया जा सकता है विस्तार से.
It can show only one side of the earth at one time. Globe एक समय में पृथ्वी का एक ही तरफ दिखा सकता है. Limitation of maps. A map cannot show the correct shape of the earth. नक्शा पृथ्वी के सही आकार को नहीं दिखा सकता. Because one cannot threaten the earth surface, क्योंकि ये चिपटा हुआ पृथ्वी का सतह है. It requires special references and symbols. इसमें विशेष संकेतों की आवश्यकता होती है to understand the map. नक्शे को समझने के लिए विशेष संकेतों चिन्हों की आवश्यकता होती है. Thematic map. There are maps that show rainfall. Thematic maps can be a विषयगत नक्शे. इस प्रकार के नक्शे हमें वर्षा के बारे में, पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में, रोड सड़कों के बारे में, रेलवे के बारे में, मिनरल्स खनिजों के बारे में, क्रॉप फसलों के बारे में बताते हैं. एंड फोकस ऑन दी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और इनकी विशेष सूचनाओं पर प्रकाश डालते हैं. टू रीड द मैप अंडरस्टैंडिंग ए मैप टू रीड द मैप करेक्ट एंड एक्यूरेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैप. नक्शे की सही जानकारी और समझने के लिए हमें नक्शे की भाषा की आवश्यकता होती है. एवरी मैप हैज डायरेक्शंस. प्रत्येक नक्शे में दिशाएं होते हैं, साइन चिन्ह होते हैं, सिंबल्स संकेत होते हैं एंड स्केल और मापक दिए होते हैं. दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द मैप और इसे ही नक्शे की भाषा कहते हैं. मैप है ये स्मॉल एरो. नक्शे पर एक छोटे तीर के निशान दिए होते हैं. ऑन द राइट हैंड दाहिनी तरफ कोने में इट इज मार्क्ड एज एन और ये एन के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं. पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन और ये उत्तर दिशा को बताते हैं. जस्ट अपोजिट टू इट इसके ठीक विपरीत दिशा में दक्षिण दिशाएं होती हैं जिसे इंग्लिश में साउथ कहते हैं. द राइट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द ईस्ट. दाहिनी हाथ पूरब को बताते हैं एंड लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द वेस्ट और बाएं हाथ पश्चिम को बताते हैं. डायरेक्शंस इट मींस दिशाएं. द फोर मेन डायरेक्शंस आर चार मुख्य दिशाएं होते हैं. उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम ये चार मुख्य दिशाएं होती हैं. दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज ये दिशाएं आगे विभाजित किए जाते हैं. नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम एंड नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में. स्केल जिसका अर्थ होता है मापक. वी नीड ए स्केल बिकॉज वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन ए मैप. हमें मापक की आवश्यकता होती है क्योंकि हम पृथ्वी के सही आकार को नक्शे पर नहीं दिखा पाते हैं. ए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड देयर एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. मापक नक्शे की दूरी और उनकी सही दूरी पृथ्वी पर जो है उसके अनुपात को बताता है. द स्केल ऑफ मैप इज ऑफन शोन एज ए लाइन. नक्शे के मापक प्रायः रेखा के रूप में दर्शाए जाते हैं. विथ डिस्टेंस इज मार्क ऑन इट जो दूरियां उस पर चिन्हित की जाती हैं. इट इज ए लीनियर स्केल. इसे रैखिक मापक कहते हैं. इच डिवीजन व्हिच इज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप. प्रत्येक विभाजन जो 1 सेंटीमीटर नक्शे पर होता है इज 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड और वहीं पृथ्वी पर जमीन पर 100 किलोमीटर के बराबर होता है. नक्शे पर 1 सेंटीमीटर पृथ्वी पर जमीन पर 100 किलोमीटर के बराबर होता है. कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स. साइंस का मतलब होता है चिन्ह, सिंबल्स एंड संकेत. एवरी मैप हैज ए डिजाइन रिटन ऑन एक्सप्लेनिंग द सिंबल्स यूज्ड. जो भी सिंबल
ढंग से प्रयोग किए जाते हैं. डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन ए मैप. विभिन्न चिन्ह और संकेत नक्शे के सूचनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं. दिस साइंस एंड सिंबल्स ये चिन्ह और संकेत कॉन्वेंशनल सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड देम, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ पाता है. सम कॉमन कॉन्वेंशनल सिंबल्स कुछ सामान्य पारंपरिक संकेत जो नक्शे के लिए होते हैं. इंटरनेशनल बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय चौहद्दी, स्टेट बाउंड्री जो बुक में सामने चिन्ह है उसी संकेत के द्वारा ये नक्शे पर दर्शाए जाते हैं. फॉरेस्ट, कैपिटल सिटी, ब्रिज, पुल, टेंपल, चर्च, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, पुलिस स्टेशन, थाना, ये सामने दिए हुए पारंपरिक संकेत जो हैं इन्हीं के द्वारा नक्शे पर दर्शाए जाते हैं. कलर ब्लरिंग, कलर्स आर यूज्ड इन द मैप टू शो डिफरेंट फीचर्स. रंग नक्शे पर जो दर्शाते हैं विभिन्न विशेषताएं बताते हैं, सच एज माउंटेन्स, प्लेटू जैसे पर्वत, प्लेटू पठार, सी समुद्र, डेजर्ट मरुस्थल एंड प्लेन्स मैदान, ओशियन, सी लेक्स, रिवर्स आर शोन इन ब्लू कलर. महासागर, समुद्र, झील और नदी नीले रंग में दर्शाए जाते हैं. डार्क ब्लू सो डीप वाटर और गहरे नीले रंग जो हैं गहरे पानी को दर्शाते हैं. डीप वाटर पानी को दर्शाते हैं. एंड लाइट ब्लू कलर हल्का ब्लू रंग नीला रंग जो है सो शैलो वाटर छिछले पानी को दर्शाते हैं. हाई माउंटेन्स आर शोन इन डार्क ब्राउन कलर, ऊंचे पर्वत गहरे भूरे रंग में दर्शाए जाते हैं. लो माउंटेन्स एंड प्लेटूज आर शोन इन लाइट ब्राउन, निचले पर्वत और पठार हल्के भूरे रंग में दर्शाए जाते हैं. एलो सूर्य डेजर्ट के ब्याज और मरुस्थलों को पीले रंग से दर्शाया जाता है. इट मीन्स पीले रंग हमें मरुस्थल वाले क्षेत्रों के बारे में बताते हैं. पॉइंट नंबर सी, प्लेन्स आर लोलैंड, मैदान जड़ी भूमि होते हैं. आर शोन इन ग्रीन और वे हरे रंग में दर्शाए जाते हैं. वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ व्हिच इज स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल इन शेप हम लोग जिस ग्रह पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं जिसका आकार गोलाकार है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमन करती है. रिवॉल्व्स अराउंड द सन और सूरज के चारों ओर घूमती है. एंड दैट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन और सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है. टिल नाउ तक द अर्थ इज बिलीव्ड टू बी द ओनली प्लैनेट, विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है दैट सपोर्ट्स लाइफ, जहां जीवन है. ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां जीवन है. वाटर ऑक्युपाइड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह पर 71% भाग में पानी है. एंड द रिमेनिंग और शेष 29% इज द लैंड एरिया और बचे हुए जो 29% हैं वो भूमि वाले क्षेत्र हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर, पृथ्वी एक हवा के परतों से मोटे परतों से घिरा हुआ है कॉल्ड एटमॉस्फेयर और उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं. द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन, महादेश और महासागर. द कॉन्टिनेंट्स महादेश दे आर बिग लैंड मासेस, वे भूमि के बहुत बड़े भाग हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, संसार में 7 महादेश हैं. नंबर 1 पहले कॉन्टिनेंट पहला महादेश है एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे बड़ा महादेश है. द उरल माउंटेन्स इन रशिया एंड कैस्पियन सी सेपरेट कॉन्टिनेंट, कहता है उरल पर्वत जो रशिया में है, कैस्पियन सागर इसे यूरोपियन महादेश से अलग करता है. इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
और एशिया उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। द हिमालयाज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो एशिया में है। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो इसी संसार में है। इन द हिमालय इज इन द हिमालय हिमालय में है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना, संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। आल्सो लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट, ये भी एशिया महादेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट अफ्रीका, आई विल टीच यू नेक्स्ट क्लासेज। थैंक यू।